करोड़पति कैसे बने? जी हाँ, यदि आप सिस्टमेटिकली प्लानिंग करते हैं तो आप करोड़पति और अमीर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कुछ पॉइंट है। जैसे पॉइंट नंबर वन, हर किसी को अलग अलग प्रकार के नशे होते हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू, गुटखा, शराब। यदि आप यह बंद करते हो तो आपका बहुत सा पैसा इसमें बच जाता है। दूसरा पॉइंट है, आप जब कोई किराना लेने जाते हैं तो एक बार ही किराना ले जाइए। हर बार थोड़ा थोड़ा मत ले जाइए, क्योंकि इससे आपका हर बार पेट्रोल खर्चा हो जाएगा। आपको जाने आने में जो टाइम जाता है वह टाइम जाएगा, और आपको थोड़ा थोड़ा लेने से आपको वह चीज़ हर किराने की चीज़ें महंगी पड़ेगी। तो इसमें भी आप पैसा बचा सकते हो। तीसरा पॉइंट यह है कि हम अनवांटेड, जैसे आईफोन खरीदते हैं और महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। यदि आपका काम एंड्रॉयड मोबाइल से होता है तो आपको महंगे फ़ोन, महंगे चीज़ें खरीदने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी तुम पैसे बचा सकते हो, और वह बचाए हुए पैसे आपको आगे अमीर बनने में बहुत ही काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम हमारे घर में हर बार कुछ ना कुछ डेकोरेटिव सामान लेके आते हैं। हर बार कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेके आते हैं, कुछ दिन वापरते हैं, उसके बाद में उसे फेंक देते हैं। तो यह भी तुम यदि बंद करते हो यह अनवांटेड चीज़ें, तो इसमें भी आपके पैसे बच सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम अनवांटेड इधर उधर घूमते रहते हैं। जहाँ ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं वहाँ घूमते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। अपने पास कपड़े बहुत सारे हैं तो भी हर महीने जाएंगे और कुछ ना कुछ खरीदी करते रहेंगे। यदि आप इस आदत को छोड़ देंगे तो इसमें भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। यह सब बचे हुए पैसे यदि हम कोई अच्छे स्कीम में, जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट में है, इसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ साल के बाद में अमीर बन जाओगे। जैसे महीने में यदि आप 2,000 भी इसमें बचत करते हो और किसी म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो आप पाएंगे कि आने वाले 5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि जब भी तुम इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है, और वह अमाउंट कंपाउंडिंग होते होते उसको बढ़ती जाती है। यदि आप कोई भी 5 स्टॉक को खरीद कर लीजिए, अच्छे ब्लू चिप स्टॉक खरीदे, और हर महीने उसमें 1,000 या 2,000 इन्वेस्ट करते रहिए, और आप पाएंगे जैसे भी उस स्टॉक में बढ़ोतरी होती है आपको प्रॉफिट मिलता है। वो 6 महीने बाद मिलो या 1 साल के बाद मिलो, वह जो प्रॉफिट आएगा, वह प्रॉफिट यदि आप किसी अच्छे एक या दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे कंटिन्यू, और ऐसे ये प्रॉफिट जैसे जैसे अलग अलग जो हम अपने 5 स्टॉक है उसमें से मिलते जाएगा, वह प्रॉफिट हम उस म्यूचुअल फंड में डालते रहेंगे, तो कुछ साल के बाद में, 5 साल में ही आप करोड़पति बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।